हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वेंस। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा। इस वीडियो में जो उसका लास्ट पार्ट था, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, बट उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू इस वीडियो में देना चाहूँगी। हमने देख लिया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में एक्चुअली क्या होता है। देर आर फोर थिंग्स विच कैन टेक इन प्लेस इन एन ऑक्सीडेशन एंड अ रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमेशा एक रिएक्शन में साथ में होते हैं, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। इफ ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्शन, देन ऑटोमेटिकली समथिंग इज बीइंग रिड्यूस एंड अ रिडक्शन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं हम इनको? रिडॉक्स। रेड वर्ड रिडक्शन से और वो एक जो ऑक्स आया है वो ऑक्सीडेशन से। तो रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोस रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। अब अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब कि उस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो मैं बोलूंगी कि उस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें किसी एक सब्सटेंस में नॉन मेटल जुड़ रहा है, तो जिसमें जुड़ रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। अगर कोई मेटालिक सब्सटेंस ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या रिमूव हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन चार तरीके से आप बता सकते हो। अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नॉन मेटल ऐड हो रहा है, या फिर मेटल रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट अपना चलता है रिडक्शन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी सब्सटेंस में से, तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो आप बोलोगे कि इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। अगर उसमें से नॉन मेटल रिमूव हो रहा है, तो भी उसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर उसमें मेटालिक सब्सटेंस ऐड हो रहा है, कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस में पूरी ऐड हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड डिपेंडिंग अपॉन दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और यह रखना कि हर रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चलता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, हम उसको थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा था आपसे कि H2S plus Cl2, ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग सल्फर एंड HCl। कई लोग बोलेंगे कि ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों का काम है कि आपको उसको बैलेंस करना है, और फिर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि बैलेंस इक्वेशन एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो ये काम आप लोगों का है। अब इसमें मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म बताने वाली हूँ कि हो क्या है। हाइड्रोजन सल्फर से रिमूव हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ना कि सल्फर में हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो जब रिएक्शन हुई तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सिंपल था, तब तो उसमें हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन जब रिमूव हो गया तो अपने आप तो रिमूव नहीं हुआ ना, किसी एक स्पीशीज की जरूरत पड़ी जिसने आकर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाया। तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। क्योंकि अगर क्लोरीन नहीं होता तो सल्फर से हाइड्रोजन अलग ही नहीं होता, उसके साथ अटैच रहता। तो क्योंकि क्लोरीन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है सल्फर में से, और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए आप बोलोगे कि क्लोरीन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन से जाके जुड़ रहा है और HCl बना रहा है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन का तो रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरीन की वजह से। एक ऐसी स्पीशीज जो खुद रिड्यूस हो रही है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रही है, उसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहा है अपने, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? जो खुद तो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। सामने वाले में से या तो ऑक्सीजन निकाल रहा है या तो उसमें उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है।
ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें से वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स में आपको डिफरेंस समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो जो खुद रिड्यूस हो और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद या तो ऑक्सीजन ले रहे हैं से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। जैसे यहाँ पे आप सल्फर देख सकते हो कि सल्फर क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, सल्फर ने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, खुद रिड्यूस हुआ ना। तो अगर इसका खुद ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे कि अपना हाइड्रोजन इसको दे रहा है, तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसने हाइड्रोजन निकाला, इसको दिया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को रिड्यूस करवाए वो रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कैसे करूंगी, मुझे किसी एक व्यक्ति को 100 रुपए देने हैं, अगर मैंने अपने 100 रुपए उठा के उसको दिए, उसके पास तो +100 हो गए, लेकिन मेरे पास तो -100 हुए ना। तो अगर मैंने ऑक्सीजन अपना दे दिया, मैं रिड्यूस हो गई, तो मैं तो रिड्यूस हुई, लेकिन क्योंकि मैंने ऑक्सीजन दिया है तो मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, क्योंकि मैं दे रही हूँ, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हुए, जो कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। खुद रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइज करवाने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हैं तो उनको रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट ना थोड़ा सा सब होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको 4-5 चीजें इंटर रिलेटेड है, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो ये ना थोड़ा आपको शांति से बैठ के जब आप पढ़ोगे, बुक खोलोगे, समझोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अच्छे से समझने के बाद अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे एनवायरमेंट में या हमें अपने आसपास बेसिकली बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो रिएक्शंस मेन दिए हुए हैं, दो मैकेनिज्म मेन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रैंसिडिटी। कोरोजन की बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स या वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो अपना एक ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्सीडाइज होकर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ये इनकी रिएक्टिविटी पे एक तो डिपेंड करता है कि जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा और उतनी जल्दी उसमें करोजन होने के चांसेस हैं। कुछ मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे हमारे सिल्वर एंड गोल्ड, इसलिए इनकी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी एयर या वाटर से कॉन्टैक्ट करके करोड नहीं होते हैं। करोजन सारे मेटल्स में हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर वो आयरन में हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं कि ये रस्टिंग हो गई। कोरोजन की जो इक्वेशन है वो होगी कि आयरन, ठीक है, ऑक्सीजन, मतलब एयर की बात करें मतलब हम ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट होगी तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। तो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, अब दिस वाटर कैन बी डायरेक्ट लिक्विड वाटर और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये फॉर्म करता है Fe2O3.H2O, दिस इज डॉट, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है। एडिशन होता मतलब कि वाटर उसमें से निकल रहा है, निकल नहीं रहा है, उसके साथ कंबाइंड होकर कंपाउंड बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप लोगों का काम है कि आप लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या है, ठीक है, देन आई विल चेक कि आपसे सही है कि नहीं। अब वो कह रहा है यहाँ पे कि जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसने यहाँ पे आयरन का एक ऑक्साइड बना लिया। ये जो प्रोसेस है हमारी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। सिमिलर प्रोसेस हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे मेटेलिक सब्सटेंसेस के साथ देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं करोजन। दूसरा पार्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जनरली कहाँ होती है, जहाँ पे फूड पार्टिकल्स होते हैं, ना, हमारा जो खाना होता है उसमें फैट्स होते हैं, फैट्स एंड लिपिड्स। फैट्स एंड लिपिड्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, है ना, और रिएक्ट करने के बाद उसमें से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एक नया कंपाउंड बना देते हैं, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, आपने देखा होगा। खाना अगर थोड़े टाइम के लिए आपने उसे एक दिन बनाया और खा लिया तो ठीक है, कुछ टाइम के बाद अगर आप उसे खा रहे हो और वो एयर के कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूसली है तो उसमें से अजीब सी एक स्मेल आती है। दैट स्मेल इज ड्यू टू रैंसिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड पार्टिकल, ठीक है।
तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो तो बहुत सारा खाना एक साथ बनाती हैं, उसे पैकेज करती हैं और फिर उसको लोगों तक पहुंचा देती हैं, कई महीनों तक की वारंटी होती है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि खाना कई महीनों तक सेम रह गया और उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, वो ख़राब ना हो। इसके लिए हम कुछ कुछ मेजर्स अपना सकते हैं जिससे हमारा खाना ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो गए, है ना। ऑक्सीडेशन होने के लिए मेन चीज़ क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली चीज, अगर हम अपने खाने को पैकेज फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसे पैकेट में डाल रहे हैं, तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं उसमें नाइट्रोजन फिल कर देती हैं। आपने देखा होगा चिप्स पैकेट, कुरकुरे के पैकेट आते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिल्ड रहती है, क्योंकि आपने पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन डाल दिया, नाइट्रोजन से कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन से होगी तब ऑक्सीडेशन होगा, जैसे हम खाने को बचा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो, अगर आपने खाने को रेफ्रिजरेशन में रख दिया है तो भी ऑक्सीडेशन से आप उसे बचा सकते हो। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, है ना, और एसिडिटी से बचाने के लिए आप अपने बुक में पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है कि इस पॉइंट में ऐसा कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें मैंने आपको कोलूजन बताया, एसिडिटी बताई और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक मैकेनिज्म ईजी फॉर्म में आपको बताया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या तो फिजिक्स का या फिर बायो का हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।